दोस्तों यहाँ पे हम इंडियंस ने तो बहुत तेजी से दौड़ लगा रखी है कैमरा के पीछे, हमें इतनी अच्छी सेल्फी चाहिए, इतना अच्छा हमारा पोर्ट्रेट मोड आना चाहिए। तो चलिए आज मैं इसी चीज के बारे में बात करूंगा, आपको सिर्फ मेगापिक्सल काउंट करने चाहिए या वहां कुछ और भी फैक्टर निकल के आते हैं। और यहाँ ओप्पो वीवो जियोनी जैसी कंपनी ने तो मार्केट में धूम मचा रखी है कैमरा के मामले में। तो चलिए आज आप ये मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखिए जिससे कि आपको ये चीज पता लग पाए, और प्लीज मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिए जिससे कि जितना मैं जानता हूं मैं आपको बता पाऊं और आप जितना जानते हैं मैं थोड़ा सा आपसे कुछ सीख पाऊं। और प्लीज दोस्तों मेरी वीडियो को पूरा का पूरा वॉच करिए, जितना हो सके इसको शेयर करिए, और जो प्लीज जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे वो मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखिए, क्योंकि मैंने वो सब्सक्राइबर मेरे किस काम के जो मेरी वीडियोस को वॉच ही ना करें। मैं आपसे बोल दूंगा मेरे 1000 सब्सक्राइबर आप कर दीजिए, मैं आपको यहाँ गिव अवे दूंगा, पर मेरी वीडियो को कोई वॉच करने वाला ही नहीं होगा तो वो मेरे सब्सक्राइबर किस काम के। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखिए, कोई वीडियोस फालतू नहीं होती है, एक आपकी जो नॉर्मल टॉपिक होता है या दिन जो आप यहाँ पे डेली लाइफ में यूज करते हैं उसी टॉपिक को लेकर मैं यहाँ पे वीडियो बनाते आ रहा हूँ। तो प्लीज आप ये मेरी पूरी की पूरी वीडियो को देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हनी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टैकी होम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ आपसे मेगापिक्सल के बारे में। दोस्तों हमें यहाँ पे मेगापिक्सल ही नहीं काउंट करने चाहिए, जब भी अपना न्यू फोन या न्यू DSLR लेने जाते हैं वहां पे बहुत से फैक्टर्स निकल के आते हैं। यहाँ पे जो आपका पहला जो मेन फैक्टर निकल के आता है आपका सेंसर टाइप, आपका कौन सा सेंसर टाइप है या सेंसर टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करी गई है। यहाँ पे जो पहली टेक्नोलॉजी है BSI टेक्नोलॉजी है और जो दूसरी टेक्नोलॉजी है CMOS टेक्नोलॉजी है। जो BSI टेक्नोलॉजी है वो CMOS से बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी है, और यहाँ पे जो नए नए DSLR है या जो नई नई कंपनी जो निकल के आई है बहुत टाइम से यहाँ पे BSI टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। पर यहाँ पे जो CMOS के जो 2018 या 2017 से जो सेंसर निकल के आए हैं वो टेक्नोलॉजी जो निकल के आई है वो यहाँ पे BSI को भी बीट कर रही है। तो यहाँ पे CMOS भी आपका बहुत अच्छा यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है मार्केट में। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ BSI अच्छा है या CMOS खराब है, पर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा या आपको रियल लाइफ में उसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। आप नेट में जाके देख लीजिए इस DSLR में या इस फोन में कौन सा आपके टेक्नोलॉजी अच्छी मिल रही है। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट निकल के आता है सेंसर साइज का, जितना बड़ा आपका सेंसर साइज उतनी अच्छी आपकी इमेज क्वालिटी। आपने देखा होगा कभी अपने मोबाइल फोन स्पेसिफिकेशन में या DSLR स्पेसिफिकेशन में आपने कभी वहां पे देखा होगा फॉर एग्जाम्पल 1/2.3, 1/2.5 या 1/3, जितना छोटा नीचे वाला नंबर उतना बड़ा आपका इमेज सेंसर या सेंसर साइज। तो वहां पे आपको उस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 1/2.3 जो बड़ा है आपका 1/2.5 से, तो इसमें आपका बेहतर निकल के आता है 1/2.3, तो वहां पे आप जरूर से चेक करिए, जो नीचे वाला नंबर होना चाहिए हमेशा कम होना चाहिए, तभी आपका सेंसर साइज यहाँ पे अच्छा निकल के आएगा। अब यहाँ पे जो तीसरा पॉइंट निकल के आता है अपर्चर, कभी आपने देखा होगा अपने स्मार्टफोन स्पेसिफिकेशन में फॉर एग्जाम्पल F1.7, F1.8 या F2.0 या F2.3, यहाँ पे जितना छोटा नंबर इमेज सेंसर की तरह या साइज सेंसर की तरह उतनी अच्छी आपको लाइट देखने के लिए मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आपने दो फोन ले रखे हैं, एक का अपर्चर है F1.7 और एक का अपर्चर है F2.0। अब कभी आपने देखा होगा सेम लाइट में अगर आप दो फोन से फोटोज लेते हैं जिसका अपर्चर है F1.7 और दूसरे का अपर्चर है F2.0, वहां पे आपको इमेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने के लिए मिलता होगा उसकी लाइटिंग को देख के। यहाँ पे जितनी लो लाइट में आपको उतनी अच्छी यहाँ पे आपको इमेज देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि जो उसका शटर है ज्यादा देर तक खुला रहता है उसमें जो लाइट जाती है बहुत ज्यादा देर तक जा पाती है, तो इसलिए वहां पे अपर्चर काम आता है आपकी जो शटर है उसको ज्यादा देर तक खुला रखने के लिए। यहाँ पे आपको अपर्चर भी देखना होगा, जितना नीचे वाला नंबर कम होना चाहिए उतना अच्छा आपका अपर्चर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया F1.7 जो बड़ा है आपका 2.0 से, तो यहाँ पे आप उसको भी जरूर देखिए। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट निकल के आता है OIS, OIS का मतलब ऑप्टिकल इमेज सेंसर, और यहाँ पे जो दूसरा आता है EIS, इसके बारे में मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जो आपको बाद में देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करेंगे OIS के बारे में। जो OIS है वो क्या काम करता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर आप कोई अच्छे स्पेसिफिक कैमरा से या अगर अच्छे DSLR से या अच्छे कैमकॉर्डर से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां पे आपको इमेज का स्टेबलाइजेशन देखने के लिए बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर कोई कैमरामैन चलते चलते वीडियो रिकॉर्डिंग करता है या आप कोई चलते चलते वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं अपने फोन से, अगर आपके फोन में OIS का सपोर्ट नहीं है और उस कैमकॉर्डर में OIS का सपोर्ट है, तो वहां पे आपको इमेज का स्टेबलाइजेशन बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा। आप भी चल रहे हैं और आपकी जो इमेज है वो या जो आपकी वीडियो है बहुत हिल रही है,
और जो कैमकॉर्डर की जो इमेज है वो वहां पे बहुत कम हिल रही है या हिल ही नहीं रही है बिल्कुल। तो ओएस क्या करता है उस पे, जो अगर आपका जो लेंस, अगर आप चल रहे हैं तो अगर आपका हाथ लेफ्ट साइड जर्क करेगा तो वो लेंस को राइट साइड जर्क करेगा, तो इससे क्या होगा, जो इमेज होगी वो स्टेबल रहेगी, जो कैमरा होगा उसको वहां पे हिलने का मौका नहीं मिलेगा और जो इमेज आपकी आएगी या जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वहां पे बहुत बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो बेसिकली हमें यहाँ पे हमारे फोन में भी ओएस का सपोर्ट मिलने लग गया है, जैसे कि आप पिक्सल में देख सकते हैं, सैमसंग में देख सकते हैं, S9 में, S8 में या एप्पल के फोन में देखते हैं, वहां पे हमको ओएस का सपोर्ट मिलता है। अब यहाँ पे जो आपका पांचवा पॉइंट निकल के आता है ऑटो फोकस का, अब ऑटो फोकस में भी आपको चार बातें ध्यान रखनी चाहिए, PDAF, CDAF, लेजर ऑटो फोकस और ड्यूअल पिक्सल। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहला आपका निकल के आता है PDAF और लेजर ऑटो फोकस, ये दोनों मिक्सअप आते हैं, और जो CDAF तो बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी निकल के आई है, और जो ड्यूअल पिक्सल है तो यहाँ पे वो बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। पर अगर आपको PDAF मिलता है तो वो थोड़ा कम है, अगर आपको PDAF प्लस लेजर ऑटो फोकस मिलता है वो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको ड्यूअल पिक्सल मिल जाता है तो वो तो बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे सिक्स पॉइंट निकल के आता है वो आता है फ्लैश का। अब यहाँ पे फ्लैश आपने सुना होगा, सिंगल एलईडी फ्लैश, ड्यूअल एलईडी फ्लैश और ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश। अब यहाँ पे जो सिंगल एलईडी फ्लैश है उसमें क्या होती है, जो आपकी फ्लैश होती है वो एक ही बार जलती है, जो आपकी व्हाइट वाली फ्लैश होती है, और जो ड्यूअल होती है वो दो बार जलती है, या इसका मतलब वहाँ पे दो फ्लैश लगी हुई है तो वो दोनों फ्लैश जलती है। और जो ड्यूअल टोन एलईडी फ्लैश है उसमें क्या होता है, एक आपकी व्हाइट जलती है और दूसरी क्या होती है, वो एक येलोस जलती है, जिससे आपका फोन या आपका सेंसर वहां पे पता लगा पाता है कि वहां पे बैकग्राउंड में या जो आपकी फोटो है वो कैसी आनी चाहिए वहां पे। तो इसलिए यहाँ पे फ्लैश का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल निकल के आता है। अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट निकल के आता है इमेज प्रोसेसिंग का, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इमेज प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी या आपका इमेज सेंसर अच्छा नहीं होगा तो वहां पे आपको बहुत बहुत घटिया फोटो देखने के लिए मिलेगी। अगर आपका हार्डवेयर बहुत अच्छा है, अगर आपका इमेज प्रोसेसिंग अच्छी नहीं है तो वहां पे आपको बहुत गंदी फोटो देखने के लिए मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल कभी आप फोटोज क्लिक करते हैं तो वहां पे फोटो क्लिक करने के बाद तुरंत आप जाते हैं तो वहां पे फोटो प्रोसेस हो रही होती है, इसका मतलब जो आपका सेंसर है वो फोटो को बना रहा होता है उस टाइम पे आपकी। अगर आपका वहां पे फोटो का इमेज सेंसर बेकार है तो वहां पे आपको फोटो देखने के लिए अच्छी नहीं मिलेगी, अगर आपका इमेज सेंसर बहुत अच्छा है तो वहां पे आपको फोटो देखने के लिए बहुत अच्छी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप सोनी का जो आप कैमरा देख सकते हैं या सोनी के फोन देख सकते हैं, उसमें जो आपकी हार्डवेयर होता है बहुत अच्छा निकल के आता है पर वहां पे आपको इमेज प्रोसेसिंग वहां पे बहुत घटिया देखने के लिए मिलती है, तो इसके कारण हमें वहां फोटो देखने के लिए खराब मिलती है। और यहाँ पे जो एप्पल है उसका जो हार्डवेयर होता है मीडियम होता है पर वहां जो उसकी प्रोसेसिंग है, जो इमेज प्रोसेसर है उसका बहुत फास्ट होता है और बहुत अच्छा होता है, इसलिए वहां हमें फोटो बहुत अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली मैंने यहाँ पर कुछ 6-7 पॉइंट बताए, ये आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना चाहिए अपने फोन को लेते समय। वहां पे आपको मेगापिक्सल ही काउंट नहीं करना चाहिए, मेगापिक्सल तो फॉर अलग बात हो गई, उसके बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, पर यहाँ पे आपको ये 6-7 चीजें यहाँ पे पक्का ध्यान रखनी चाहिए अगर आपको कोई अच्छा कैमरा वाला फोन या DSLR लेना है। तो प्लीज अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो आप मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आता रहूंगा। धन्यवाद।